अब बात करते हैं स्टूडेंट केस नंबर 5 की। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है। ये बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों का मिड पॉइंट फोकस। ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखना है तो कहीं भी रख लेना अपने मन से, हमने यहां पर रख लिया। लो बताओ क्या हमको पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो लो हमको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट की इमेज बनानी है। एंड फर्स्ट लाइट रे, अरे बोल दिया करो, देखो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है अगर लाइट रे, तो जरा हमें यह भी बता दो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी। रिफ्लेक्शन के बाद सर आपने हमको बताया था कि अगर लाइट रे पैरेलल है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लेते हैं, तो यहां पर तीनों ऑप्शन ओपन है हमारे पास में, हम सेकेंड लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास भी कर सकते हैं, फोकस से भी पास कर सकते हैं, और पोल से भी पास कर सकते हैं। लेकिन इमेज बनाने के लिए हमको मिनिमम दो चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लेते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइट रे होती है उसकी खासियत आप लोगों को याद होनी चाहिए कि सर वो जैसे जाती है वैसे ही लौट के आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इट फॉल परपेंडिकुलरली ऑन द सर्फेस ऑफ मिरर। तो जरा बताओ रिफ्लेक्टेड लाइट रे कौन सी है? एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये है, क्या आपस में मिल रही हैं? यस सर, इस पॉइंट पर एक्चुअली में मीट हो रही हैं, और जब एक्चुअल में मीट हो रही हैं तो यहीं पर इस पॉइंट की इमेज बनेगी, और तो इस पॉइंट की मतलब टॉप पॉइंट की इमेज यहां पर है, तो पूरा ऑब्जेक्ट की इमेज कहां होगी? यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो जरा बताओ इमेज कैसी 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 एंड कैसी है, चार बार कैसी कैसी बोलना पड़ता है हमको। बताओ इमेज रियल है या वर्चुअल है? आप कहोगे सर इमेज रियल है। रियल क्यों है? चलो ये भी बताओ, बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट ईच अदर, दैट्स व्हाई द इमेज इज रियल। इमेज छोटी है, सॉरी इमेज सीधी है या उल्टी है? तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ, इमेज उल्टी है। उल्टी के लिए कौन सा वर्ड होता है हमारे पास में? इन्वर्टेड। अगर इमेज सीधी होती है तो इरेक्ट, उल्टी है तो फिर इन्वर्टेड। थ्री, इमेज छोटी है बड़ी है या फिर सेम साइज की है? तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज इस बार हमको छोटी बनती हुई दिखाई दे। देखो अब तक जो केसेस बनाए थे उसमें इमेज छोटी नहीं बनी थी, बड़ी थी, हाईली मैग्नीफाइड थी, सेम साइज की आ गई। अब कैसी आ गई है? इमेज छोटी आ गई। छोटी के लिए जो हमारे पास में वर्ड होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो है डिमिनिश्ड। कौन सा वर्ड है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है इमेज छोटी, और इमेज कहां पर है? चलो बताओ, इमेज इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आई है, तो आप बोलोगे बिटवीन सी एंड एफ, इमेज इज फाउंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये हुआ केस नंबर 5। केस नंबर 5 में आपने काफी इजी सी बात समझ गए होगे कि सर जब इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा जाएगा तो इमेज छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड बिटवीन सी और एफ बनेगी। ओके, अब लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? इनफाइनाइट पर।